जब एक स्क्रिप्ट समझने की बात हम करते हैं तो एक एक्टर के संदर्भ में ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, मगर सबसे पहली चीज़ जो मायने रखती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट अगर ये शब्द है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या है मेरी जिंदगी में या क्या हुआ है जिसके वजह से मैं ये कह रहा हूँ, तो वो क्यों जो है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है एक स्क्रिप्ट को समझने का। और नसीर सर की बातों में कि एक एग्जांपल देता हूँ, उनसे पूछा गया था कि आप एक स्क्रिप्ट में जब आपको क्यों मिल जाता है तो उसके बाद और क्या है जो आपको उस स्क्रिप्ट से जुड़ने के लिए और असरदार या कह लीजिए आसान हो जाए। तो वो उन्होंने कहा था कि हर स्क्रिप्ट में या तो एक शब्द या एक फ्रेज चुनिए एज एन एक्टर, जिससे आपको उस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट का एक निष्कर्ष मिलता है उससे, जहाँ एक एक्टर उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर देगा, उस शब्द को या उस फ्रेज को, उससे उसको एक एडेड डायमेंशन मिल जाती है उस क्यों क्यों को और असरदार बनाने के लिए। सो द क्यों और द वाई इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव एंड नीडेड फॉर एन एक्टर टू बी एबल टू कन्वे हिज और हर लाइन्स एंड द थॉट्स बिहाइंड दोज लाइन्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, एंड दैट क्यों और द वाई वुड ऑल्सो गिव देम अ रीजन टू बी एबल टू फाइंड देयर ओन आइडेंटिटी वाइल डूइंग दैट। When I say their own identity, okay, you could be playing a different character, but eventually that character is being played by the actor, right? The actor is an individual. So despite the actor having portrayed somebody who probably he or she isn't in real life, उसके बावजूद भी उस एक्टर की एक खुद की आइडेंटिफिकेशन है, उस खुद की एक आइडेंटिटी है जो उस पात्र के साथ जुड़ गई है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो वो जो आइडेंटिटी या वो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं उभर के आएगी आएगी। अब मिसाल के तौर पे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने पुलिसमैन का रोल किया है, बट हर एक्टर वो पुलिसमैन को अलग तरीके से प्ले करता है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पुलिसमैन ही इज प्लेइंग, ही और शी इज प्लेइंग, बट इन एडिशन टू दैट, सो व्हेन मिस्टर अमिताभ बच्चन प्लेज अ पुलिस इंस्पेक्टर डिस्पाइट नोइंग दैट ही इज अ कैरेक्टर राइट नाउ, वी ऑल नो कि मिस्टर बच्चन इज प्लेइंग अ पुलिस कैरेक्टर, पुलिसमैन। और इफ रणवीर सिंह इज प्लेइंग अ पुलिस पुलिसमैन, देन वी ऑल नो रणवीर सिंह इज प्लेइंग द पुलिसमैन। सो ऑटोमेटिकली देयर ओन पर्सनैलिटी इज ऑल्सो कम थ्रू थ्रू द कैरेक्टर ऑफ वॉट दे आर डूइंग। सो वेदर इट इज रणवीर सिंह इन सिम्बा और वेदर इट इज अमिताभ बच्चन इन जंजीर where they are both police inspectors, despite that they are two different police inspectors, or for that matter in any character. So the why, coming back to the why, finding a word or a phrase in any script that you do would help the actor to get an added reason, ek aur wajah mil jayegi aapko aur bahut pukhta wajah mil jayegi। तो जब आपको वो शब्द मिल जाएगा या वो फ्रेज मिलती है तो वो एक एडेड वजह तो होगी होगी, आपको एक एडेड कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करने में या उस स्क्रिप्ट को एक खुद का एक डायमेंशन देने में। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जो वाई ऑफ द स्क्रिप्ट है, ये बहुत ही एक्सट्रीमली वास्ट टॉपिक है, इस पे सैकड़ों लोगों के अलग अलग टेक्स भी हो सकते हैं, अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं, अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, मगर जहाँ तक मेरा मानना है वो वाई को ढूंढना, जितने जल्दी आप एज एन एक्टर उस वाई को ढूंढ लें वो उतना आपके लिए आसान हो जाएगा उस स्क्रिप्ट को आपका 100% देना।